मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। हेलो इनकलाब आगे आ जाइए। भारत माता की वंदे, जय जवान। आवा गुजरात यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। आप लोग इतनी भारी संख्या में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बाहर निकले हो। आपका घर से निकलने के लिए जो पहला कदम आपने उठाया, असल में वो पहला कदम नहीं था, वो गुजरात के लिए परिवर्तन का कदम था। परिवर्तन मैं कल उधर दूसरी तरफ था, दमन की तरफ, गांव में भीड़ आ रही है, लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके भविष्य के लिए हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो। मैंने कहा जी पीछा हम नहीं छुड़वा सकते, आप लोग खुद छुड़वा सकते हो। 27 साल पुरानी चक्की पीस रही थी जनता को, 27 साल हो गए। महंगाई की चक्की, गरीबी की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, गुंडागर्दी की चक्की, पेपर फूटने की चक्की, इसको उखाड़ के फेंकना होगा। पहले आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस और बीजेपी भाजपा ये तो एक ही बात है। कांग्रेस वाले तो बिक जाते हैं, कांग्रेस को वोट दोगे तो वो विधायक बनेगा तो बीजेपी वालों को कहोगे बताओ जी कितने पैसे दोगे मुझे। कांग्रेस कोमा में चली गई है, कांग्रेस की हालत 90 साल उस बुजुर्ग की तरह हो गई है जिसके घर वालों को डॉक्टर भी बोल देता है भाई घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है, ये हालत है। वो तो आ ही नहीं रहे, इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। और आपके पास कोई विकल्प नहीं था, इस बार आपको विकल्प मिला है झाड़ू के रूप में। झाड़ू के रूप में युवा बहुत साथ दे रहे हैं। एक गुजराती नौजवान मेरे पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे, कहता बहुत इंटेलिजेंट हूं मैं, हर पेपर मैं बैठता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, रात को 12-12 बजे तक पढ़ता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत है कि पेपर फूट जाता है और सपना टूट जाता है। पेपर फूट रहे हैं यहाँ पे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नेता जी। इनकी प्रॉपर्टियां बढ़ गई 100-100 गुना, इनकी प्रॉपर्टियां बन गई 200 गुना। कहां से आया पैसा? हमारा पैसा खाया इन्होंने, हमारा जंगल खा गए, हमारी जमीन खा गए, हमारा पानी खा गए, हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा गए, हमारे बुजुर्गों के हिस्से की इलाज के हिस्से की दवाई खा गए, सड़कें खा गए, क्या नहीं खाया इन लोगों ने, देश को बेचकर खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राष्ट्रीय लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल वीर के खेतों में ही बरस जाते। और आपके जो अधिकार हैं, आपके जो हक हैं, उनको आपको देने का काम करेगी आम आदमी पार्टी। पैसा कानून लेके आएगी, पैसा कानून लागू करेंगे हम। उसका फिफ्थ शेड्यूल जो है ना सेंटर ने पास कर रखा है, यहाँ क्यों नहीं करते भाई?
जंगल जमीन और जल पर आपका अधिकार है? क्यों नहीं है आपका अधिकार? आपने इतनी लड़ाइयां लड़के अपने हक लिए हैं। तो मैं यही कहने आया हूं, कैंडिडेट हैं हमारे वाले कैंडिडेट हैं भाई साहब, उनके पास पैसे नहीं, हम गुंडागर्दी भी नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, ईमानदारी सच्चाई। हमारा मशीन पर बटन चौथे नंबर पर है लेकिन आना पहले नंबर पर है, ठीक है ना। तो पंजाब में भी ऐसे ही मैंने लोग देखे, आज से 8 महीने पहले लोग बाहर आए। जब लोग ऐसे अपने आप बाहर आते हैं ना, ये तब्दीली के संकेत होते हैं। ये समझ लें, ये बीजेपी भाजपा वाले और कांग्रेस वाले के तब्दीली है कि लोगों ने आपके नाम वोट की रजिस्ट्री नहीं करवा रखी कि आपको ही देनी है वोट। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। ये कहते हैं डबल इंजन, डबल इंजन की क्या जरूरत है भाई? गुजरात को नया इंजन चाहिए, नया लेटेस्ट इंजन। ये डबल ट्रिपल इंजन नहीं चलेंगे, अब जनता इंजन बनेगी, जनता पब्लिक इंजन बनेगी। इससे पहले क्या होता था, नेता जीत जाते थे, जनता हार जाती थी। 8 तारीख को इस समय तक रिजल्ट आएंगे तो गुजरात की 6.5 करोड़ जनता जीतेगी और नेता हारेंगे। यहाँ पे कुछ भाजपा वाले भी आए होंगे बीच में, आना होता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भी करनी होती है ना अपने अकाउंट के पास कि इतनी जोर से नारे लग रहे थे ये वो। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं रखा उधर। कल कुछ लड़के 7-8 लड़के मेरे ऐसे रोड शो में नारे लगाने लगे, मोदी मोदी। मैंने कहा इनके लिए तालियां बजाओ, इसका मतलब इनके खाते में 15-15 लाख आ गया है। 15 लाख की बात कर रहे हो, जो घर पे रखे थे 2-4 हजार खर्चे के लिए, वो भी नोटबंदी करके निकलवा के ले गए। तो भाई साहब, इन्होंने अपने मित्र पाले हैं, इन्होंने अपने दोस्त पाले हैं, इन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया। जनता कुछ मांगने जाती है, खजाना खाली। भाई खजाना खाली क्यों, कैसे हो गया भाई? नहीं जी, खजाना अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन बनाते समय खजाना खाली क्यों नहीं होता? तब इनके खजाने में पैसे कहां से आते हैं? ये पब्लिक है, आप लोग भाई साहब टैक्स देते हो। कुछ लोग यहाँ ये सोचते होंगे भगवंत मान ये बात क्या कर रहा है, हम तो टैक्स देते ही नहीं। मैं बताता हूं तुम कब टैक्स देते हो। सुबह उठते हैं, चाय बनानी है, माचिस निकाली, तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस खरीदने आओगे बाजार में, टैक्स लगता है। अगर आपके पास गैस सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू। उसमें पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। उसके बाद आटा लेके आए, टैक्स। परांठे पर 18% टैक्स। अभी किसी को फोन किया, मोबाइल फोन, टैक्स। किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए गए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स। डीजल पेट्रोल। उधर से आते हुए सब्जी ले आए, टैक्स। शाम का खाना खाया, टैक्स। खाना खा के अपने बिस्तर पर जाकर सोचते हो शुक्र है आप टैक्स नहीं है। भाई साहब गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। जनता तो सोते हुए भी टैक्स दे रही है, जनता तो 24 घंटे टैक्स दे रही है। खजाना खाली कैसे हो गया? इस खजाने को हम भर के दिखाएंगे, हम भर के दिखाएंगे, जैसे पंजाब और दिल्ली में हमने भर के दिखाया है। पंजाब में 8 महीने पहले सरकार बनी है, बिजली का बिल लगभग 74 लाख मीटर है। 74 लाख में से 50 लाख से ऊपर लोगों को बिजली का बिल जीरो आया है। अभी सर्दियों में 60-70 लाख तक चला जाएगा, बिजली मुफ्त है। और मैं यहां खड़ा हूं, 8 महीने में 20,000 सरकारी नौकरियां देकर, नियुक्ति पत्र देकर, आम घरों के बेटे बेटियों को दफ्तरों में बिठाकर आपके पास आया हूं। 8 महीने में 20,000 नौकरियां निकाली, 20,000। करप्शन भ्रष्टाचार बंद कर दिया हमने, हेल्पलाइन जारी कर दी। अगर कोई सरकारी अधिकारी, कोई दफ्तर बाबू पैसे मांगता है रिश्वत के, मना मत करना, मोबाइल निकाल लेना, उसकी वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम सरकार का है, बाकी काम हम करते हैं। 250 के लगभग जो भ्रष्टाचारी थे अंदर बैठे,
ये होती है नीयत की सरकार, अच्छी नीयत की सरकार। दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, दिल्ली में इलाज फ्री, पूरा इलाज फ्री। हम आपको स्कूल बना के देंगे, वो स्कूल जो आपके बच्चों को अफसर बनाएंगे, आपके बच्चे नीट क्लियर करेंगे, आपके बच्चे अफसर बनेंगे, MBBS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे। ठीक है, क्या बात जी, हमारे बच्चे कुछ कर नहीं सकते? हमें वो स्कूल ही नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं, हमें वो किताबें ही नहीं मिलती जो अफसर बनाती हैं। ऐसा करो, आभा से कोई 3 बच्चे ले लो जो इंटेलिजेंट हैं सैंपल के तौर पे, दिलवाओ दाखिला वहां जहां राहुल गांधी पढ़ा था, दिलवाओ दाखिला यहां, यहां इनके नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, और 2 साल में रिजल्ट देख लेना कौन फर्स्ट आता है। भाई साहब, फर्स्ट वो नहीं आते जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, फर्स्ट हमारे वाले आते हैं, क्या करें, मौका नहीं देते ये, मौका नहीं। अब मौका मिलेगा इनके यहां, मौका नहीं मिल सकता। आप सोच सकते हो कि भाजपा और कांग्रेस में आपको कोई टिकट मिल जाएगी, विधायक की कोई टिकट है? सोच सकते हो? इनके अपने रिश्तेदारी नहीं खत्म होते? ये बेटा है, ये भतीजा है, ये मामे का बेटा है, ये बुआ का बेटा है, इतने रिश्तेदार है। आम घरों की तो बारी नहीं आती। आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों को विधायक बनाती है, राज्यसभा भेजती है, लोकसभा भेजती है, मंत्री मुख्यमंत्री बनाती है। पंजाब में 117 सीट है, 92 सीट आई हमें, 92 में से 82 विधायक पहली बार जीते हुए आम घरों के बेटे बेटियां हैं, पहली बार। मैं भी उनमें से हूं, पहली बार जीता हूं, पहले मैं MP था, MLA पहली बार जीता हूं। तो ये आम आदमी पार्टी है जो आम लोगों को शक्तियां देती है, इसीलिए आम आदमी पार्टी है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। देखो, एक तरफ तो ये हार मिल रहे हैं, पूरी गाड़ी मेरी शाम तक भर जाएगी हारों से, पगड़ी हार फूलों से भर जाती है। तो मैं सोचता हूँ भगवान, इतना प्यार मिल रहा है, कोई पुराने जन्मों का पुण्य होगा, इतना प्यार मिल रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस वाले हैं नेता, उनका उनका प्यार भी सुन लो, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं पूरी हैं या ले गए एक आध, इतना यकीन भी नहीं है। तो इस बार झाड़ू चलना चाहिए जोर से, झाड़ू जोर से चलना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, लड़ाई की बारी आ गई है और हम फाइटर हैं। और भगवान ने देश को सब कुछ दिया, भगवान ने देश को जंगल दिया, भगवान ने पहाड़ दिए, नदियां दी, समंदर दिया, मारुथल दिया, हर किस्म का मौसम दिया, नीचे कोयला दिया, तेल दिया, बस एक चीज नहीं दी, अच्छी नीयत वाले नेता नहीं दिए, नेता नहीं दिए। अगर वो चुन लिए आप लोगों ने, तो भाई साहब ये देश दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनेगी और नंबर 1 कंट्री बनेगा, ये दुनिया का नंबर 1। तो जब भी देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी सभी बातें भले ही भूल जाना, एक बात मेरी याद रख लेना सारे, एक बात कि भगवंत मान आभा में आया था ये कह के गया था, जिस दिन वोटिंग करने जाओगे सामने मशीन पड़ी हो और मशीन में बटन है, बटन के सामने चुनाव चिन्ह है, और ये सोच लेना बटन दबाने से पहले कि वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही किसी हाथी का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर झाड़ू वाला दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, अगर कोई और दबाओगे 27 साल हो गए 32 हो जाएंगे भाई साहब, इसमें क्या है। ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं गुजरात वालों, अब तो बदल लो, अब तो कुछ बदल लो। ये भ्रष्टाचारियों को बोल देना कि भगवंत मान आए थे, उन्होंने बोला है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। जो आखिरी कपड़ा मिलता है ना बंदे को दुनिया से जब चला जाता है, वो
उसमें जेब नहीं होती भाई साहब, खाली जाता खाली हाथ। बड़े बड़े दुनिया जीतने वाले लोग आए थे, खाली हाथ गए हैं। सिर्फ गरीब की बद्दुआ मत लो बस, कभी गरीब की बद्दुआ परमात्मा की दरगाह एक ही बात है बस। तो मैं ये कहने आया हूँ कि आओ इकट्ठे होकर झाड़ू वाला बटन दबाएं। अरविंद केजरीवाल जी वो भी घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत लूटा हुआ माल है। ये आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे, आपने, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, मना नहीं करना, लक्ष्मी आए घर से वापस नहीं करते, आप ही का माल है भाई साहब। और इनको बोल देना कि और वोटिंग वाले दिन झाड़ू वाला बटन दबा के कर, जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को बाहर। बहुत समझदार लाख है भाई, बहुत समझदार लाख है भाई, सब समझ गए। ऐसे करना पड़ेगा। हम इनके घरों के सामने जाते हैं अपना काम लेके, बेटे को नौकरी चाहिए, गांव में स्कूल चाहिए, सड़क नहीं है, तो ये मिलते हैं आपको, नेता लोग मिलते हैं, इनके दरवाजे बंद होते हैं, चाय पानी की बात छोड़ो, दरवाजा भी नहीं खुलता, और एक साइड में खिड़की जैसी बनाई होती है छोटी सी विंडो, वहां पीछे इनका द्वार को आना। वालों गुजरात वालों, बदला लेने का टाइम आ गया, अब ये आएंगे आपके घरों के सामने, आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे, दरवाजा मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर नहीं है, इलेक्शन के बाद आना, फिर ठीक होंगे। इनको पता चलेगा किसी डर से खाली वापस परतने का दर्द क्या होता है। तो सच है ना, सच है, सच्ची बातें है ना। हाँ, मुझे पत्रकारों ने पूछा पंजाब में और दिल्ली में आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका, मैंने कहा तो बहुत ही आसान काम है। कहते कैसे, मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है, बोले कीचड़ में। मैं झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई की कर दी झाड़ू से, पंजाब और दिल्ली में कमल का फूल उगा ही नहीं भाई साहब। 117 में से पंजाब में कितनी सीटें भाजपा की, 2। मोटरसाइकिल पर बैठकर विधानसभा आ सकते हैं। और दिल्ली में पहले 3 थे, इस बार 5-6 हैं बस, दिल्ली में 5-6 हैं, क्योंकि दिल्ली पंजाब के लोग नफरत की राजनीति पसंद नहीं करते। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग, पंजाब के लोगों ने इनकलाब लाया था, आजादी का इनकलाब पंजाब से शुरू हुआ था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सिंहदेव, उन्होंने आजादी लेके दी हमें। ये कौन होते हैं आजादी पर अपना हक जताने वाले, ये बैठ गए कुर्सियों पर, अंग्रेजों को निकाला है, हमारे वाले आ गए लूटने पे। अभी अंग्रेज शर्मिंदा होंगे, जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज हैं वो शर्मिंदा होंगे, हमसे 200 साल में इतना नहीं लूटा गया भारत जितना इन्होंने अपने अपनों ने 2 साल में लूट लेते हैं। ये बात है, तो इनको सबक सिखाओ, झाड़ू चलाओ, इनको पता चले। हाँ, अगर हम अच्छे ना निकले 5 साल बाद हमें उखाड़ के फेंक देना भाई, लेकिन हमें पता है हमारी नीयत साफ है। हम एक आम आदमी पार्टी एक मौका मांगती है, बाद में लोग बार बार मौके देते हैं। ये आम आदमी पार्टी, मुझे पत्रकारों ने कहा कितनी सीटें आएंगी गुजरात में, अभी भी खड़े हैं यही पूछेंगे, कितनी सीटें, बोले कितनी सीटें आएंगी गुजरात में, सर्वे में तो नहीं आ रही। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी का इतिहास ये कहता है, आम आदमी पार्टी वाले सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में आते। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शन आ रही है इनके सर्वे भी थोड़े थोड़े ऊपर हो रहे हैं अभी, क्योंकि इनका भी कसूर नहीं है, ऊपर से डंडा चलता है ना, कोई बात नहीं दिखा लेने तो। वैसे 8 बजे के बाद टीवी देखना वैसे दिल के मरीजों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नफरत की बातें करते हैं। पार्लियामेंट में एक बार बहस चल रही थी, मैं MP था उस समय, पार्लियामेंट में ये समाज ये है, वो समाज इसका है, ये समाज इसका है, इस समाज को ये करो उस समाज का, 2-2 घंटे भाषण दिए भाई साहब इन्होंने। तो मैंने टाइम मांगा,
तो स्पीकर साहब कहने लगे अब टाइम खत्म हो गया। मैंने कहा जी मुझे तो 30 सेकंड चाहिए बस। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने मेरे 30 सेकंड, इनका 2 घंटे का भाषण एक ही बराबर है, 30 सेकंड दे दो बस, माइक ऑन कर दो। कहते चलो बोलो। मैंने बोला कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और देश का झंडा ऊंचा रहना चाहिए, देश की शान ऊंची रहनी चाहिए, इसलिए आपके पास आए हैं। उम्मीद है खास तौर पे युवा यूथ जो है ना, वो जब जब वो उठता है ना, जागता है तो कमाल करता है। पब्लिक है भाई, पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर, और वहां जाके भाजपा की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा भाई फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, मेरी कोई बात नहीं है, केजरीवाल की कोई बात नहीं है, आपसे डरते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पब्लिक इनको सब पता है, पब्लिक अपने होंठ सीले 10 साल, पब्लिक सबर कर ले 15 साल, पब्लिक सीने पर पत्थर रख ले आपकी तरह 27 साल। लेकिन 27 साल के बाद जब पब्लिक जागती है ना, जब उठती है ना पब्लिक, साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है ये पब्लिक। इनका सबका हिसाब करेंगे, पंजाब में कर रहे हैं हिसाब इनके साथ। वो कांग्रेस वाले कह रहे थे ये भगवंत मान कह रहा बिजली फ्री कर दूंगा, पैसे कहां से आएंगे? भगवंत मान कह रहा मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, पैसे कहां से आएंगे? मुझे पता था, मैंने फिर बोल दिया, मैंने कहा पैसे आप ही के पास हैं, आपके आपके यहां से आएंगे। अब इनके भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, उनकी जमीन नीलाम कर रहे हैं जो उन्होंने दबा रखी थी सरकार की जमीन, और पैसे ही पैसा आ रहा है, सारा पैसा लोगों पर खर्च हो रहा है भाई। तो आपका पैसा, आपका पैसा बाहर निकलना चाहिए ना, निकलना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कहने आया हूं कि खुद जीतो, खुद जीतो, जनता की सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। ऐसे लोगों को वोट दोगे जो आपके बीच में रहते हैं, इनको समस्याओं का पता है। उस डॉक्टर के पास जाए जिसको बीमारी का इलाज पता हो, इनको नहीं पता है कुछ, ये तो ऊपर से चले जाते हैं। 20,000 करोड़ का पैकेज दे दिया जी गुजरात को, आपको कोई फायदा होगा सिर्फ से? ठेकेदार और मंत्री खुश हैं, कहते 20,000 करोड़ और आ गया खाने के लिए। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं। तो मैं बहुत आपका आभारी भी हूं कि आप लोग छोटे से निमंत्रण पर बाहर निकले। 2-3 नारे लगाएंगे, वो जो आए हुए हैं भाजपा वाले, उन्होंने बताना है जाके, तो वो यही बताएंगे कि जी बहुत ऊंची नारे लग रहे थे, अब हम खतरे में हैं। इसलिए बजाय इसके वो बताएं जिनको उन्होंने बताना है, उनके घरों तक की आवाज पहुंचा दें, इतनी ऊंची पहाड़ गूंजे। इनकलाब, थोड़ा सा और कर लो, इनकलाब, वंदे भारत माता की, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सत्कार दिया, इज्जत दी, मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। आप लोग तरक्की करें, आपके घरों में तंदुरुस्ती रहे, यही दुआ करूंगा, और गुजरात आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.